वेंकटपुर गांव के पास एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक शैतान रहती थी। वो सिर्फ नाम के लिए शैतान थी। दरअसल उसे अच्छी शैतान की बजाय एक सनकी शैतान कहना ज्यादा ठीक होगा। वो शैतान की तरह बनकर नहीं रहना चाहती थी। जहाँ एक और दूसरे शैतान रास्ते में जा रहे लोगों को चिढ़ाते थे, ये शैतान चुप रहती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती। एक दिन जब वो शैतान उदास बैठी थी, एक संत उस तरफ से निकले। उस संत ने कुछ देर आराम करने की सोची और उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस शैतान पर पड़ी और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? मेरा नाम सुंदरी है। मरे हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जाऊंगी, लेकिन मैं एक शैतान के रूप में पृथ्वी पर घूम रही हूँ। मुझे ये श्राप क्यों मिला? मैं ऐसी नहीं बने रहना चाहती। देखो, इच्छा रखना गलत नहीं, लेकिन इच्छा को लेकर इतना लालची नहीं होना चाहिए। किस तरह से आप इसे लालच समझ रहे हैं प्रिय संत? मैंने क्या पाप किया है? मुझे ये श्राप क्यों मिला? तुरंत संत ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। देखो सुंदरी, तुम बिना वजह शैतान नहीं बनी। नहीं संत, मैंने शैतान बनने के लिए किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। तुम इस तरह की फालतू बातें करोगी तो समाधान नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया समाधान दीजिए। जीवित रहते हुए तुम एक बहुत आलसी महिला थी। तुमने कभी कोई काम नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें ये श्राप मिला है। आलसी होने की वजह से मुझे शैतान बना देंगे? ये कैसा न्याय है संत? यही बात तुम्हारे जीवित रहते हुए जब तुमसे कही गई होगी तो तुम्हारे पास सुनने के लिए धैर्य नहीं रहा होगा, और अब भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ना ना, ऐसा ना कहे, मुझे इस नर्क से बाहर निकाले प्लीज। ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे इतना अनुरोध कर रही हो, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो, तुमको ये श्राप आलस्य के कारण मिला है, इसीलिए तुम एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो तुम्हारी तरह ही आलसी हो और अपना जीवन बर्बाद कर रहा हो। फिर उसके चरित्र को बदलने की कोशिश करो और उसे जीवन के मूल्यों का एहसास कराओ। इतना कहकर संत वहां से चले गए। तब से वो शैतान एक आलसी मनुष्य की प्रतीक्षा करने लगी। वेंकटपुर गांव में सोमा शेखर नाम का एक आलसी आदमी रहता था। सुबह से उठा उठा रात को सोते वक्त तक वो हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। जब कोई भी उसे खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए कहता तो वो कहता, मुझे एक बात बताइए कि मुझे इसे क्यों धोना चाहिए? अगर मैं अपना हाथ धोए बिना छोड़ता हूँ तो चावल के बचे हुए कणों को मक्खियाँ खा सकेंगी ना। इस तरह वो बात बना देता। एक दिन सोमा शेखर को अपने गाँव को अचानक छोड़कर पड़ोसी गाँव जाना पड़ा। जाते समय वो गाँव के बाहरी इलाके में स्थित इमली के पेड़ पर रुक गया। शैतान ने जब उसे देखा तो परखने की सोची कि क्या वो वास्तव में एक आलसी आदमी है। तब वो शैतान शेर की तरह दहाड़ी। सोमा शेखर डर गया, लेकिन फिर भी आलस की वजह से वहाँ से उठा नहीं। बाप रे बब्बर शेर, लेकिन जब मेरे पास आएगा तब उठूंगा। ये सोचकर वो उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। शैतान को भरोसा हो गया कि ये वही आलसी व्यक्ति है जिसे वो खोज रही थी। तुरंत शैतान उसके सामने आ गई। शैतान को देखते ही सोमा शेखर डर गया। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुमको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक छोटा सा श्राप मिला है, तुम मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलाने में बस मेरी मदद कर दो। ये सुनकर सोमा शेखर हैरान रह गया। क्या इस तरह श्राप से मुक्ति मिल सकती है? तुम इस मदद के बदले में क्या चाहते हो बताओ। ये तो एक शानदार प्रस्ताव लग रहा है। तो मेरी इच्छा है कि मुझे एक घर, एक बड़ी संपत्ति और एक सुंदर पत्नी चाहिए। मैं तुम्हें ये सब दूंगी, लेकिन इससे पहले तुमको एक काम करना होगा। तुमने कहा जो मांगूंगा दे दोगी, तो काम क्यों करूं? अरे बाबा, तुम्हें ये सारी चीजें दिलाने के लिए मुझे कुछ ताकत की जरूरत है, काम तो करना होगा। ये सोचकर कि आगे की जिंदगी बड़े आराम से बिना कुछ किए कटेगी। ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। तो शैतान ने एक चट्टान दिखाई जो वहाँ से थोड़ी दूर पर थी। उस चट्टान पर एक मूर्ति उकेरो। हाँ, मैं ये कैसे करूँगा, मैं कोई मूर्तिकार हूँ। एकाग्रता हो तो कोई भी काम करना संभव है। मैं जो कुछ भी तुम चाहते हो दूंगी, लेकिन तभी जब मूर्ति उकेरो। अच्छा। सोमा शेखर ने शैतान द्वारा दिखाई गई चट्टान पर मूर्ति को तराशना शुरू कर दिया।
उसने कुछ दिनों तक संघर्ष किया और उस चट्टान पर एक मूर्ति बना भी ली। वो प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही थी। उस तरफ से यात्रा कर रहे लोगों ने उस प्रतिमा को देखा और सोमाशेखर की सराहना की। तब सोमाशेखर को बात समझ आई और उसे एहसास हुआ, मुझे तो अपनी इस प्रतिभा का पता ही नहीं था। और सोमाशेखर एक मूर्तिकार बन गया। शैतान को भी सोमाशेखर को आलस से निजात दिलाने की वजह से भूतिया जीवन से मुक्ति मिल गई। असंभव कुछ नहीं अगर एकाग्रता और पूरे दिल से करें। एक सुदूर वन क्षेत्र था। पंचवटी नाम का एक छोटा सा गांव उस जंगल के पास था। उस गांव में एक 16 साल का लड़का अर्जुन रहता था। बचपन से ही उसके अंदर सामाजिक जिम्मेदारियां महसूस करने की संवेदनशीलता थी। अर्जुन कॉलेज में पढ़ रहा था। उसे हर दिन कस्बे में कॉलेज जाना पड़ता था। रास्ते में उसे रोजाना उस गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक कचरा इकट्ठा होने वाली जगह को पार करना पड़ता था। अर्जुन को उस जगह को देखकर बहुत दुख होता था। वो डंपिंग यार्ड प्लास्टिक से भरा रहता था। क्या हम इस प्लास्टिक के भूत से पीछा नहीं छुड़ा सकते? एक दिन उसने अपने दोस्तों को उस गांव में बुलाया और कहा, हमें किसी भी कीमत पर अपने गांव में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना होगा। लैंडफिल में प्लास्टिक को सड़ने में सैकड़ों साल लगेंगे। प्लास्टिक मिट्टी से ना तो मिलेगा और ना ही डिकम्पोज होगा। ये प्लास्टिक अंत में महासागरों तक पहुंचता है। वहां ये प्लास्टिक जानवर, हजारों पक्षी, समुद्री जीव, मछलियां और अन्य जीव खा लेते हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। कछुए जो हजार साल से अधिक जीवित रह सकते थे, प्लास्टिक खाकर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। प्लास्टिक खाने की वजह से जानवरों को भूख नहीं लगती और बिना खाना खाए ही मर जाते हैं। हर साल मिलियन टन प्लास्टिक कवर का उत्पादन होता है, लेकिन अभी तक तैयार हुए प्लास्टिक कचरे का केवल 1% ही रिसाइकल हो पाया है। हम रोज ही देखते रहते हैं और हम खुद भी प्लास्टिक के कप में चाय कॉफी पीते हैं, जिसकी वजह से लोग कई खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। हमें कुछ भी करके इस प्लास्टिक के भूत का अंत करना चाहिए। तुम सब मेरे साथ चलो। तभी उसका एक दोस्त बोला, हमने अब तक अनजाने में खुद को और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। आओ अब हम सब मिलकर संकल्प लें। आज से हमें जब भी बाहर जाना होगा तो हम अपने घर से बैग लेकर जाएंगे। जब प्लास्टिक कचरा जलाया जाता है तो जहरीली गैसें पैदा होती हैं। इससे तो सभी जीवित प्राणी प्रभावित होंगे ना। हमें प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जंग छेड़नी होगी और बिना कूड़ा करकट के सड़कों को साफ रखना होगा। तब उन्होंने अच्छी तरह से सोचा और लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में समझाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उन सभी लोगों ने मिलकर प्लास्टिक को खत्म करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अच्छी योजना तैयार की। उन्होंने बाहुबली फिल्म में काला किया की मूर्ति बनाई और उसे उस गांव के बीच में रख दिया। प्रतिमा का सर काला किया का था और शेष शरीर प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों, चाय के कप, जूस की बोतलों और ठंडे पेय की बोतलों से बना था। इसी तरह उन्होंने प्लास्टिक की तुलना एक खलनायक के साथ की और समझाया कि हमें इसका अंत करना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और पर्यावरण को बचाने का अनुरोध भी किया, जिसे देखकर उन ग्रामीणों ने सोचा, बात तो सही है। प्लास्टिक का उपयोग करके हम पर्यावरण, इंसानों और सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। हमें इसका एहसास होना चाहिए। ये सोचकर उन सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया। तब से उन ग्रामीणों ने जब भी वे किसी भी दुकान में जाते तो जूट के बैग साथ में लेकर जाना शुरू कर दिया। दुकानों पर भी वो ये बोर्ड रखने लगे कि जब भी कोई दुकान पर आए तो अपना बैग साथ लेकर आए। होटलों में पार्सल लेने के लिए अपने साथ स्टील के बक्से ले जाते। इसी तरह उन्होंने कुछ महीनों के भीतर अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त गांव में बदल दिया। उस जिले के कलेक्टर को पंचवटी के बारे में पता चला तो वो वहां आया। तब उसने उन ग्रामीणों के साथ साथ अर्जुन की भी सराहना की। उस गांव को भारत में प्लास्टिक मुक्त गांव के रूप में मान्यता दी गई और निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां तक कि आसपास के गांव के लोग भी पंचवटी के ग्रामीणों से प्रेरित हुए और उन गांवों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के लिए एक ना बच सकने वाली जरूरत हो गया है। बक्से, बाल्टी, बैग आदि के रूप में प्लास्टिक हमारे घर में हर जगह देखा जाता है। आइए हम जूट बैग का उपयोग करें। आइए हम भी ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में इस्तेमाल होने वाले आलू से बने स्पडवेयर का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कवर का उपयोग ना करें, जीवन को प्रभावित ना करें।
कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।